हेलो गाइस, वेलकम बैक टेकल मॉय में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हो टेकल मॉय। तो जो सी मैं इस वीडियो में टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ वो है इंस्टाग्राम की तीन ऐसी ट्रिक, अमेजिंग ट्रिक, दसों ट्रिक जिसे कह सकते हैं हम। तो आपने अभी तक वो इंस्टाग्राम में अप्लाई नहीं की होगी, वो तीन ऐसी ट्रिक जिसके बारे में अभी तक आपको नहीं पता होगी। तो इस वीडियो को देखना है फुल, तो वॉच करना है, तो फिर आपको पता चलेगा कि वो तीन अमेजिंग ट्रिक कौन सी है जो से हम इंस्टाग्राम पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया तो वहां पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। तो और लाइक करना बाद में, कमेंट करना बाद में, पहले हम चलते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल अकाउंट पर, मोबाइल की स्क्रीन की तरफ ले चलता हूं, ज्यादा ना बकवास करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो सी फर्स्ट ट्रिक है वो है इंस्टाग्राम मैसेज। अगर कोई इंस्टाग्राम पर आपको कोई मैसेज करता है, बंदा या बंदी कोई भी मैसेज करता है आपको, तो अगर वो मैसेज करता है गलती से भी कोई फ़ोटो या मैसेज उससे आपके पास सेंड हो जाती है, अगर वो आपके पास मैसेज या कोई फ़ोटो गलती से सेंड कर देता है, तो वो उस मैसेज को या फ़ोटो को कोई भी आपको सेंड करता है तो उस मैसेज को अगर वो डिलीट कर देता है, अनसेंड कर देता है, तो आप कैसे देख सकते हो उस मैसेज को, डिलीट हुए मैसेज को आप कैसे देख सकते हो। तो इसके लिए आपने प्ले स्टोर पर चल जाना है, आपने डाउनलोड करना है इंस्टा सेव फोटो एस वीडियो डाउनलोडर फॉर इंस्टाग्राम। तो ये आपकी बहुत ही सहायता करेगा। अगर कोई भी बंदा या बंदी आपको इंस्टाग्राम पर आपको मैसेज करता है, फ़ोटो करता है, कोई भी सेंड करता है, अगर वो दूसरा कोई भी बंदा आपको एकदम से आपका आपका जो सा मैसेज किया वो डिलीट करता है या फ़ोटो को डिलीट करता है, तो आपके पास जौन से भी इंस्टाग्राम पर जितने भी मैसेज आते हैं तो ये इंस्टा सेव आपके आपके पास अपने पास रख लेता है, तो वो डिलीट नहीं होने देता। तो अगर वो बंदा चाहे जब मर्जी कर ले तो ये इंस्टा सेव में सेफ भी रहेगा, जो भी मैसेज आएगा किसी का भी आएगा तो इसमें सेफ रहेगा। और इसके साथ इस एप्लीकेशन की यह खासियत है कि अगर आप किसी को भी मैसेज सीन नहीं करना चाहते, मैसेज सीन नहीं करना चाहते, देखना नहीं चाहते इंस्टाग्राम पर जाकर ऑफिशियल पर, तो आप इस पर जाकर इस एप्लीकेशन को ओपन कर तो आप देख सकते हो कि किस किस के मैसेज आए हुए हैं। तो वहां पर आप पढ़ भी सकते हो कि ये मैसेज ये आए हुए हैं, बट जो सा जिसका मैसेज आया हो उसको ये नहीं पता चलेगा कि इसने मेरा मैसेज सीन कर लिया है। इसकी दो खासियत बात है, एक तो मैसेज रिकवरी कर लेता है और दूसरा किसी को सीन नहीं होने देता, फिर भी आप पढ़ सकते हो बिना छुपे छुपाए हाइड कर। तो इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डाउनलोड कर सकते हो। ओपन करना है, ओपन करने के बाद कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा, तो मैंने भी अभी डाउनलोड किया है। कुछ ऐड आएगी तो ऐड को बैक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर आपको मैसेज किसी का भी आएगा, तो यहाँ पर मेरे पास तो अभी तक आया नहीं है, मैंने अभी डाउनलोड किया। तो फर्स्ट नंबर पर तो यहाँ पर जिसका भी मैसेज आएगा यहाँ पर सेव होते रहेंगे, जिसका भी आते रहेगा। दूसरे नंबर फोटोज़, तीसरे नंबर वीडियो, तो और आप यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, फोटो भी डाउनलोड कर सकते हो, देख भी सकते हो। तो आपको मैंने बता दिया। अब चलते हैं हम दूसरी ट्रिक की तरफ, और दूसरी ट्रिक सेम प्रोसेस है। अगर आप किसी इंस्टाग्राम आईडी, किसी भी इंस्टाग्राम की स्टोरी को देखना चाहते हो, अगर किसी की इंस्टाग्राम की आईडी को देखते हो, तो अगर उसमें सीन नहीं होना चाहते, हाइड रहना चाहते हो और दूसरों को पता ना चले कि इसने मेरी स्टोरी देख ली है, बट आप देख सकते हो किसी की इंस्टाग्राम की स्टोरी देख सकते हो कि उसने क्या डाली है, बट उसको पता नहीं चलेगा कि आपने उसकी स्टोरी को देख लिया है। सबसे अमेजिंग ट्रिक, वो किसी को पता होगा कि कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने कर लेना अपने डाटा को ऑफ करना है। तो सबसे पहले डाटा को ऑन कर इंस्टाग्राम को ओपन करना है। इंस्टाग्राम को ओपन करते इसे रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश ये लोड हो जाता है पेज। तो फिर आपने इंटरनेट को, अपने डाटा को, वाईफाई डाटा को ऑफ कर लेना। ऑफ करते जिसकी भी आप इंस्टाग्राम की स्टोरी देखना चाहते हो उसे ओपन करना है। जैसे जैसे मैं सेंटेंस में ओपन कर लेता हूँ, तो मैं देख लिया ऐसे, जैसे मैं देख लेता हूँ तो मैं एक बार लोड कर लेता हूँ इस इंस्टाग्राम की स्टोरी को। जैसे लोड कर दिया तो थोड़ी एक मिनट के लिए प्रोसेस होने देना है इस पेज को। तो फिर आपने डाटा को फिर ऑफ कर देना है। तो फिर आपने देखना है दोबारा किसी की स्टोरी इंटरनेट को ऑफ कर, तो आप देख सकते हो, बट इसको पता नहीं चलेगा कि इसने आपने उसकी स्टोरी देख ली है, नहीं पता चलेगा क्योंकि आपका डाटा ऑफ था। तो ये अमेजिंग ट्रिक थी तीन। अगर आप इंस्टाग्राम को डार्क मोड में लगाना चाहते हो अपने फ़ोन को, आप
फ़ोन को डार्क मोड पर लगाना चाहते हो क्या बेनिफिट है उसके साथ, तो मेरे चैनल पर आप देख सकते हो ज़बरदस्त आल फोन डिस्प्ले इन डार्क मोड इंस्टाग्राम, सब आल फोन पर आप जितनी भी एप्लीकेशन है जितने भी आपको फ़ोन है सबको डार्क मोड कर सकते हो, क्या बेनिफिट होता है तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। तो ज़रूर इस वीडियो को देखना क्या बेनिफिट है, कैसे डार्क मोड कवर कर सकते हो। तो आपको ये बहुत ही अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को बस सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें क्योंकि मैं ऐसी खास वीडियो लाता रहता हूँ आपके लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया तो वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर लें।